हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी का मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं दोपहर के ना 1 बजने वाले हैं और अब स्टार्ट किया है मैंने आज व्लॉग बनाना, क्योंकि कल भी नहीं बनाया मैंने व्लॉग और परसों भी नहीं बनाया, क्योंकि ना हमारे घर में 2-3 दिन से काम चल रखा है। ये जो हमारे दरवाजे हैं ना, ये थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, तो इन्हें ठीक करा रहे हैं। और भी है कई सारे काम जो हम ठीक करा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत सुंदर सा DIY। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि हमारे घर में देखो कैसा हो रखा है और क्या हम बनवा रहे हैं, अभी आप देखना। जल्दी दरवाज़ा ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये दरवाजे की ना जाली ख़राब हो गई थी, तो इसमें जाली लगा रहे हैं अंकल जी, तो इसलिए ना पूरे घर में सामान फैल रखा है। प्यार का खाना हमारा हो गया है, खाना वाना मैंने बना लिया और मैं DIY बनाने वाली हूँ एक बहुत सुंदर सा। आज ना आज काम बहुत है, क्योंकि आज ना बाज़ार भी जाना है, बच्चों की ना बुक्स वगैरह लेके आनी है, क्योंकि बच्चों की स्कूल खुल गए हैं तो इनका कोर्स भी लाना है, तो क्योंकि कल से स्कूल में पढ़ाई शुरू है। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक ऑर्गेनाइज़र, और उसके लिए हमें एक कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो ये बिल्कुल वेस्ट है, और ये मेरे पास 2-3 पड़े हुए हैं, और एक पेपर की और एक फेविकोल की। तो इस पे हमें क्या करना है, आपको जितना भी बड़ा बनाना है उतना बड़ा आप कार्डबोर्ड एक ले लीजिए, और उसके ऊपर ना फेविकोल की मदद से ना आपको जो भी पेपर चिपकाना है उसको ना बिल्कुल टाइट आपको चिपकाना है, बिल्कुल सफाई से, और चारों तरफ आपको ऐसे ही चिपकाना है। इसको ना नाप के आप काट लीजिए, और काटने के बाद फेविकोल की मदद से अच्छी तरह, जिससे ना इस पर सफाई आए, और इस पे आप पेपर चिपका सकते हो, पेपर भी चिपका सकते हो आप, या फिर आप फैब्रिक भी ले सकते हो, फैब्रिक भी इस पे ना हम फैब्रिक भी चिपका सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर लगेगा बनने के। और ये ना बिल्कुल लो बजट में आप तैयार कर सकते हो घर पर, इसमें आप छोटे छोटे सामान भी रख सकते हो, जैसे कि किचन के होते हैं ना हाथ वाथ पोछने के जो कपड़े होते हैं, किचन के टॉवल वगैरह, वो भी हम इसमें रख सकते हैं, बच्चों की बुक्स रख सकते हैं इसमें। मुझे तो ये बुक्स के लिए बनाना था, क्योंकि बच्चों की बुक्स इतनी होती है ना इधर उधर पड़ी रहती है, कॉपी वगैरह हम इसमें आराम से रख सकते। और ये जो इसके चारों तरफ से कोने हैं ना, इन हम कैंची तरफ से कट कर लेंगे, और फिर फेविकोल लगाकर अंदर की साइड हम इसको फोल्ड कर देंगे, और फिर अंदर भी हमें ऐसे ही करना है, अंदर की साइड भी हमें फेविकोल लगाना है, और इसमें आप अंदर भी पेपर लगा लेंगे तो और भी सुंदर बन जाएगा ये हमारा अंदर से। तो इस तरीके से मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर लिया है, वो भी लो बजट। और अंदर की साइड भी मैंने इसको ऐसे तैयार कर दिया है, अंदर की साइड भी मैंने इसमें पेपर लगा दिए हैं, और एक ना मेरे पास लेस रखी हुई थी तो वो मैंने इसके चारों तरफ से ऊपर की साइड में ना फेविकोल की मदद से लगा दी है, जिससे ये और भी सुंदर बन गया है तैयार होने के बाद। और अब मैं बना रही हूँ एक दूसरा DIY, ये एक फ्लावर पॉट में बना रही हूँ, तो इसके लिए भी मैं कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करूँगी। तो ये कार्डबोर्ड के पीस मेरे पास रखे हुए थे बचे हुए, और इसके ना मैंने 4-4 सेंटीमीटर के ना ये 4 पार्ट्स कर लिए हैं, और इसकी जो लंबाई है ना ये 11 सेंटीमीटर है, और इस पर ना हम हल्का हल्का सा कट लगा लेंगे चाकू की मदद से। तो 4 पीस होने के बाद ना हम इसको पॉट, जैसे फ्लावर पॉट होता है ना, उसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे इस तरीके से ये हम, और यहाँ पर ना हम यहाँ पर फेविकोल लगा देंगे, तो ये आराम से ना चिपक जाएगा फेविकोल की मदद से।
फेविकोल लगाने के बाद ही आराम से चिपक जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, हमें लेना है एक पेपर, आप कोई से भी कलर का पेपर ले सकते हो। ये मेरे पास पिंक कलर के ही दो तीन पेपर्स रखे थे, तो मैं आज इन्हीं का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमें क्या करना है, उसकी लंबाई के हिसाब से ना डेढ़ दो दो इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो हमें अंदर को फोल्ड करना है वो पेपर। उस पर भी हम ऐसे ही करेंगे, फेविकोल लगा के ना चारों तरफ से फेविकोल लगाना है, और फिर इस पर हम पेपर्स लगा सकते हैं। पेपर भी लगा सकते हो या फैब्रिक भी लगा सकते हो, हम इसे फैब्रिक से भी बना सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही इजी और बहुत ही लो बजट वाला DIY है, और ये बहुत ही सुंदर लगेगा बनने के बाद। आप इसे ज़रूर बना के देखना।